नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा मॉम ब्लॉग्स में। और आज मैं बनाने वाली हूँ हलवाई जैसे मावा खोया के गुलाब जामुन की रेसिपी, और वो भी मैं बनाऊंगी घर पे। और देखिए कि किस तरीके से मैंने ये गुलाब जामुन बनाए हैं। इनको सबसे पहले मैंने एक बाउल में चीनी डाली है 1.5 कप, और उसमें लगभग 2 कटोरी मैंने पानी ऐड किया है। और इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है लो फ्लेम पे। और सबसे पहले मैं जो है इसका जो चाशनी होती है गुलाब जामुन की, वो बना लेती हूँ। तो मैं धीरे लो फ्लेम पे ही जो है वो चाशनी बना रही हूँ। और धीरे धीरे जब तक चीनी अच्छे से इस पानी में घुल जाएगी, और जो ये चाशनी है उसको एक तार की भी नहीं बनानी है, एक तार होने से पहले ही इसको हमें मतलब गैस को बंद कर देना है। और ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है चाशनी में। और अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा चला के, और उबाल आने के बाद में इसको एक तार भी नहीं आने देना है। और गैस को मैं जो है वो बंद कर दूंगी जब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। और ये अभी तो उबाल ही आ रहा है इसमें, तो थोड़ा सा 5 मिनट जो है 5-10 मिनट चाशनी बनने में लग जाएगा टाइम। तो उसी के बाद में जब चाशनी बन के रेडी हो जाएगी, और ये चाशनी हमारी जो है बनके हो चुकी है रेडी, और तब तक मैं जो है गुलाब जामुन बना लेती हूँ। इसको गैस को बंद करके इसको ढक के रख देती हूँ। और इसके लिए हमने लिया है मावा, और उसमें जो है ये मावा 250 ग्राम मावा है, और इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने मैदा ऐड किया है। और ये मैंने 1 चम्मच जो है इलायची पाउडर ऐड किया है। मैंने दरदरा इलायची जो है घर पे ही कूट के से ही बनाया था। और थोड़ा सा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, और फिर इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। और जिस तरीके से हम आटे को गूंथते हैं उसी तरीके से एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेना है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट हो। और जितना ही अच्छा डो बनेगा उतने ही अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। और उसके लिए मैं बहुत ही अच्छे से आटे को, जो ये मावा है इसके आटे को अच्छे से गूंथ लूँगी। और जब ये अच्छे से मैश हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, केक सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है, अच्छा सा चिकना सा, जो कि जो है गुलाब जामुन बनाने में दिखने में अच्छे लगे। और ये मैंने जो मावा है उसको अच्छे से गूंथ लिया है, और इसको गूंथने के बाद में इसके जो है छोटे छोटे से बाउल बनाने होंगे। और उन बाउल्स को चिकना करने के लिए
मैंने जो है थोड़ा सा बेसन भी यूज़ किया है, जिससे कि जो बाउल्स होते हैं वो चिकने बनते हैं। और ये मेरा जो है खोया जो है वो चिकना हो गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे से बाउल्स बना लूँगी। जैसा कि मैंने बताया, जितना अच्छा जो होता है डो होता है सॉफ्ट, उतने ही अच्छे गुलाब जामुन बनते हैं। और ये बहुत ही आसान सा तरीका है, और इसको दबाते हुए छोटे छोटे से बाउल्स बना के मैं रख लेती हूँ सारे बाउल्स बना के। और ये देखिए, हल्का सा बेसन लगाने से जो है ये बाउल्स जो बनते हैं वो चिकने हो जाते हैं, खुरदुरे नहीं रहते हैं। और मैं ये जो है सारे मावे के अच्छे से बाउल्स बना लूँगी बेसन लगाते हुए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के से बेसन बस लगाना है। और ये देखिए, चिकने जो हैं ये बनके मैं एक करके सारे बना लेती हूँ। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि बेसन जो होता है उससे थोड़ा सा बाउल्स जो हैं चिकने हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इनमें बेसन लगाते हुए जा रही हूँ और सारे बाउल्स जो हैं वो बना के रख लूँगी कुछ इस तरह से। और आप ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरी जो ये गुलाब जामुन की रेसिपी है कैसी लगे। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे न्यू आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और बातें करते हुए ही मैं अपने जो ये हैं सारे बाउल्स जो हैं वो बना लूँगी अच्छे से। हथेली को दबाते हुए ये मेरे सारे बाउल्स जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। और अब मैं जो है गैस पे कढ़ाई रखती हूँ, थोड़ा सा घी डाल के, जो कि इन बाउल्स को पकाना है। ये देखिए, और कढ़ाई का जो फ्लेम है वो लो ही रखना है, और बहुत ही हल्के से इनको ज़्यादा टच नहीं करना है रसगुल्लों को, क्योंकि अगर टच होगा ज़्यादा तो ये फूट भी सकते हैं, क्योंकि ये मावा ही है ना, तो बहुत ही लाइटली इनको टच करेंगे। और लो गैस का जो फ्लेम है वो लो ही रखना है, और इनको ब्राउन होने तक हमें पकाना है ऐसे ही। और ये देखिए, हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं गुलाब जामुन, और जो कि मैंने पहले ही बना लिया था चाशनी, और जो ये पकते जाएंगे और इनको उसी चाशनी में ये देखिए चाशनी में ही डालना है। और मैं ऐसे ही इनको चाशनी में डालती भी रहूँगी, और लो फ्लेम, गैस का जो फ्लेम है वो लो ही रखना है। और ये देखो, ये भी जो हैं गुलाब जामुन वो पक गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। और ये देखिए, और मैं इनको चाशनी में ही भी साथ में डाल रही हूँ, और मैं ये सारे इसी तरीके से जो हैं गुलाब जामुन उनको कढ़ाई के लो फ्लेम पे ही पका लूँगी, ब्राउन, डार्क ब्राउन होने तक।
और ये जो है मेरे हलवाई जैसे मावा, खोया, गुलाब जामुन बहुत ही आसानी से बन गए हैं। और ये जो एक होममेड रेमी मैंने जो ये है घर पे ही बनाए हैं गुलाब जामुन। आप सभी को मेरा ये गुलाब जामुन की रेसिपी का वीडियो कैसा लगा, बहुत ही इजी वे मैंने बताया है और आई होप आप सभी को मेरा ये जो है वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप भी ज़रूर घर पे ट्राई करें इसी तरीके से। और ये देखिए मेरे जो गुलाब जामुन है वो ब्राउन हो गए और बन के हो चुके हैं रेडी। और आप सभी को मेरा ये जो मावा गुलाब जामुन है कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बाय बाय।